Do you want big business? Do you want more sales? Do you want more clients? Do you want to earn in crores? Yes, everyone wants. Everyone desires to have big business, to have more sales, to have more clients. But how it's possible? Think about it. How it's possible? Business is not a child's play. It requires so much efforts, sacrifices, and sleepless nights to own a little title of success. Yes, to own a little title of success. What do? You jump into business without any strategy and plan. You are in the business stream, seeking the luxury and dream, and you don't have patience in the process. And definitely, you are going towards failure. Definitely, you are going towards failure because you don't have strategy, you don't have plan. We have talked about the objective. Now, let's talk about the process. Process kya hai? Sabse pehle to apne andar value bhariye. Value bharne ke liye blog post bhariye, articles padhiye aur kisi ki mentorship le lijiye. Jab aapne value bhar li apne andar, fir us value ko dusron ko dena shuru kare. Free mein articles likhiye blog post par, iske ilawa YouTube channel par videos daliye, Instagram stories ke through logon ko lagatar apni field ke bare mein batate rahiye. जब आप वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो लोग आपको जानना शुरू कर देंगे और जब लोग आपको जानना शुरू कर देंगे तब पता चल जाएगा कि आप किस फील्ड के मास्टर हैं, किस बिजनेस के मास्टर हैं, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं. जब आप लगातार अपने अंदर वैल्यू भरते जाएंगे, कंटिन्यू आप सीखते जाएंगे, आपके अंदर बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, तब आप अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, नील पटेल जिनको आज SEO मास्टर कहा जाता है, उनका एक कोर्स 3.5 लाख रुपए का है. जी हाँ, 3.5 लाख रुपए का कोर्स वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो मास्टर है उस फील्ड का. वो SEO में उसने स्पेशलिस्ट बना, लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं, इजीली वो बिक रहा है 3.5 लाख रुपए में. तो फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक नॉर्मल MD फिजिशियन है और एक हार्ट स्पेशलिस्ट है. जो MD फिजिशियन है वो भी महीने में 2 या 3 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो एक सर्जरी के 35 लाख रुपए ले रहा है. 35 to 40 lakhs ही इज अर्निंग बिकॉज ही इज हार्ट स्पेशलिस्ट. उसने अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट प्राप्त की हुई है. इसी तरह अगर आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट ले लेते हो, अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो पैसा कमाना एक मैजिक बन जाएगा, बिजनेस बनाना एक मैजिक बन जाएगा. देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू. अब देखिए, पैसा कौन कमा रहा है? जो दूसरों की लाइफ को इजी करता है, जो दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. हर बिजनेस की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है. गुड एनालिटिक बनो, देखो बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी सर्विस से उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे हो सकता है. अगर आप दूसरों की लाइफ को आसान कर दोगे, दूसरे की बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप सेल होगा, आपकी वैल्यू अपने आप बिकने लगेगी, आप वैल्यूएबल बन जाओगे अपनी मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए. वन मोर थिंग, अपनी फील्ड के मोर इंटेलिजेंट लोगों से बात करो, उनसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछो, उनसे लगातार टच में रहो. जब आप उनसे बात करते रहेंगे तो एक ही प्रॉब्लम के जब 2-3 सोल्यूशन निकल के आएंगे, तो अगर वो सोल्यूशन यूनिक हुआ तो वो सोल्यूशन बेस्ट होगा वो बिजनेस प्रॉब्लम के लिए, वो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. अब वैल्यू की तो बात हो गई, हमने नाम भी बना लिया, लोग हमें जानने भी लग गए, मार्केट में हम फ्री में वैल्यू दे रहे हैं आर्टिकल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू. अब आती है बात प्रोडक्ट की, कि हमने सेल क्या करना है. अब सबसे पहले तो प्रोडक्ट को रियलाइज़ करो कि मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी परसीव वैल्यू क्या है. अब परसीव वैल्यू क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने 10,000 का मोबाइल ले लिया, अब वो मोबाइल की परफॉर्मेंस 10,000 रुपये के बराबर है. अगर वो 10,000 रुपये के बराबर है तो वो मोबाइल की परसीव वैल्यू है. अगर उसकी परफॉर्मेंस वो 10,000 रुपये के बराबर रहेगी तो मैं 10,000 रुपये वो मोबाइल के लिए निकाल के दे रहा हूँ. इसी तरह मेरा प्रोडक्ट है, अगर वो सोल्यूशन दे रहा है लोगों को, अगर उसकी परसीव वैल्यू, जो भी मैंने उसकी कॉस्ट तय की है, 5,000, 10,000, 20,000, अगर वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो उसकी परसीव वैल्यू है. और परसीव वैल्यू होने पर ही क्लाइंट सामने से पैसा निकाल कर देगा अपनी जेब से. वो तभी देगा अगर उसको परसीव वैल्यू वो प्रोडक्ट में से मिल रही है. तो परसीव वैल्यू के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ इसकी मार्केट में परसीव वैल्यू क्या है. वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस. सबसे पहले तो अपने अंदर वैल्यू भरिए, फिर वैल्यू को फ्री में शेयर कीजिए
और जब लोग आपको जानना शुरू करेंगे फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। और जो प्रोडक्ट की परसीव वैल्यू है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परसीव वैल्यू सही में वो है। जब इस प्रोसेस से आप गुजर जाओगे देन यू विल सी द मैजिक ऑफ सेल्स, देन यू विल सी द मैजिक ऑफ क्लाइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे नई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।